जौनपुर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। यहाँ पर इस महान शहर के तमाम आयाम मौजूद हैं। यह जिला प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं को देख चुका है, जिसका प्रमाण यहाँ के मछली शहर से लेकर अन्य स्थानों और गांवों तक देखा जा सकता है। जौनपुर में प्रतिहारों का, गुप्तों का और मौर्यों का शासन रहा। यहां से इन राजवंशों ने एक बेहतर गति प्राप्त की। मध्यकाल में यह जिला अपने सर्वोच्च शिखर पर था, जब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की निगाहें गोमती नदी के किनारे बसे और बनारस के नजदीक इस धरा पर पड़ी। नदी के किनारे होने के कारण इसे शहर बनाना अत्यंत ही सुगम कार्य था। जौनपुर में सबसे पहले जिस इमारत का निर्माण हुआ वह है यहाँ का शाही किला। इस किले का निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि सन 1360 के आसपास था। इस किले के आसपास के मंदिरों और विहारों आदि में पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जो आज भी यहां किले की दीवारों आदि में देखा जा सकता है। यह किला जिस स्थान पर बना है उसे किरार कोट के नाम से जाना जाता है। इस कोट का विवरण रामायण में भी मिलता है। वर्तमान काल में यहां पर किरार कोट मंदिर भी है। यह किला चारों ओर बुर्जों से घिरा हुआ है। किले के ऊपर से जौनपुर शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इस किले में घुसने के दो द्वार हैं। दूसरा द्वार मुगल काल में बनाया गया था और इस पर लाजवर्द पत्थरों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। वहीं कुछ दूरी पर ही गोमती नदी पर स्थित शाही पुल भी है। किले के ऊपर से दिखने वाले नजारों में चार चांद लगाता है और उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिनमें से भूल भुलैया बंगाल शैली की मस्जिद, जिसमें तीन गुंबद हैं और एक मीनार भी स्थित है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हैं। तो दोस्तों, यह था जौनपुर का शाही किला। आपको आगे भी ऐसी ऐतिहासिक व रहस्यमय चीजें दिखाते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।